कुछ एक वीडियो है जो जलसा हुआ था हॉकी ग्राउंड में पाकिस्तान में पीटीआई का, तो उसमें कुछ वीडियोस दिखाई थी इमरान खान की तरफ से, वीडियोस दिखाई गई थी, उसमें से कुछ वीडियो है। मुझे पता चला है कि ये वीडियो ऐसी है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी इस वीडियो को देखकर पब्लिक, तो क्या है इसके अंदर मैं भी देखना चाहूँगा। बिना देरी के स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं। इस वीडियो के अंदर एक रोने वाली लड़की की पिक्चर है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। गवाही देंगे कि तुम खड़े थे वफा के रास्ते का हर मुसाफिर, गवाही देगा कि तुम खड़े थे। शहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों की कोख में से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई चुगनू बचा नहीं है, तो तुम खड़े थे। क्या बोले यार, तुम खड़े थे। तुम्हारी आंखों के ताकचों में जलते चराग की रोशनी ने नई मनाजिर हमें दिखाई, नई मनाजिर हमें दिखाई। तुम्हारे चेहरे की बढ़ती झुर्रियों ने वलवलों को नमूद बख्शी, वलवलों को नमूद बख्शी। तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहने, तुम्हारी माए, तुम्हारी मट्टी का सर्रा सर्रा गवाही देगा कि तुम खड़े थे। हमारी धरती के जिस्म से जब हवस के मारे स्याह चूंकों की तरह चिमटे, तो तुम खड़े थे। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी अस्मत और इस्तेकामत हमारा है जिसकी चोटी तक पहुंचना ना पहले बस में रहा किसी के, ना आने वाले दिनों में होगा। सो आने वाली तमाम नस्लें गवाही देंगी कि तुम खड़े थे, कि तुम खड़े थे, कि तुम खड़े थे। क्या बोले इसके, आपके लिए खुशखबरी ये है। बहुत ही इमोशनल और इमोशनल फीलिंग्स जो सबके अंदर होती हैं, फील कोई कोई कर पाता है और निकाल कोई कोई पाता है। सो बहुत ही ज़बरदस्त लाइंस थी कि जब ये जुल्म हो रहा होगा तो तुम्हारी आने वाली नस्लें होंगी जो उनको पता होगा कि तुम खड़े थे इस वक्त, मतलब जुल्म के खिलाफ खड़े थे। क्या क्या लाइंस थी इसमें। जब ये स्टार्ट हुए बोलना तो शुरू से ही मुझे, मतलब हल्के हल्के सुनना जब मैंने स्टार्ट किया तब से ही मुझे गूज़बम्स आना स्टार्ट हो गए हल्के हल्के। क्या बोल हैं, किसके बोल हैं, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। आप कमेंट सेक्शन में डिटेल में बताना मुझे कौन बोल रहा था, ये किसने बोला है, ये किसकी लिखी हुई है। जो भी है ज़बरदस्त है। हवस के आगे और मुश्किलों के मशक्क़तों के आगे डटे रहना, खड़े रहना, आगे जाकर तुम्हें पता चलेगा लोग कहेंगे कि हाँ तुम खड़े थे। तो वही चीज़ पाकिस्तान की पब्लिक के लिए आज बोली जा रही है कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे उस वक्त जहाँ सब गिर रहे थे और जहाँ सबको गिर जाना चाहिए था, जहाँ लोग हार मान जाते हैं वहाँ खड़े थे। यार कमाल की लाइन्स थी, सच में इमोशनल कर दिया इन्होंने, पब्लिक को इमोशनल कर दिया। सरताज गुल रोने लगी थी, वो पब्लिक में एक लड़की रो रही थी और सब लोगों के इमोशंस को जगा दिया इस वीडियो ने, इन बोलों ने। कमाल था। कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा ये वीडियो। आई होप कि आपने इसको एंजॉय तो नहीं लेकिन हाँ फील तो किया होगा। ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।